देश और आप देख रहे हैं अजय भारत। बिहार में चुनाव होने को है, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने बिहार के 12 राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह को बदल डाला है। जी हां, जिसमें पप्पू यादव की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और ऐसे कई ऐसे जो नई पार्टियां हैं उन सभी की चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग ने बदला है। बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी को केंद्रीय चुनाव आयोग से नया चुनाव चिन्ह मिला है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी का चुनाव चिन्ह कैंची होगा, जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस बात की जानकारी दी है। पप्पू यादव ने बताया कि 2015 से चला आ रहा हॉकी अब आज की तारीख में खत्म हो गया। अब जाप पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर कैंची छाप चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं चुनाव आयोग ने जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को टेलीविजन, जनता दल राष्ट्रीय को डाली, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को पैन, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी को कैरम बोर्ड, भारतीय लोक नायक पार्टी को रोड रोलर। तो देखा जाए, चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार की इन 12 राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह बदल डाला है, जिनमें से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान सामने आ चुका है, वो अपने चिन्ह से काफी खुश हैं, जो कि उनको कैंची मिला है। वहीं दूसरी ओर अब देखना ये होगा कि बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका चुनाव चिन्ह बदला गया है, वो अपने चुनाव चिन्ह से कितना खुश होते हैं। फिलहाल बने रहे अजय भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।